जी हाँ फ्रेंड्स आज हमने बनाया है हरे मटर का बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी नाश्ता तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे धोकर मैंने मिक्सर जार में ऐड किया है इसके साथ आपको दो हरी मिर्च लेना है लहसुन की कलिया लेना है और इसे पीस कर रेडी कर लेना है देखिए पानी डालकर आपको नहीं पीसना है ऐसे ही पीस कर रेडी कर लेना है उसके बाद एक बर्तन में इसे निकालना है स्वाद अनुसार डालना है नमक फिर एक चम्मच डालना है धनिया पाउडर का मसाला थोड़ा सा डालना है हल्दी पाउडर और ये दो चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं इसके जगह पे या बेसन भी ले सकते हैं इससे छोटे छोटे आपको बॉल्स बनाने हैं गैस के ऊपर मैंने रखा है कढ़ाई उसमें रखा है पानी और प्याज मिर्च लहसुन को उबलने के लिए रख दिया है उसके ऊपर रखा है जालीदार वाला थाली तेल से थोड़ा ग्रेस कर लिया है उसके बाद ये सारे बॉल्स को रखना है थोड़ा सा इसमें का मसाला में बचा ली हूँ और इसे ढककर तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे भाप में पकाना है देखिए तीन से चार मिनट हो गए हैं और ये जो सब्जियां हैं पककर बिल्कुल रेडी हो गए हैं इसी के साथ साथ प्याज और मिर्च लहसुन भी अच्छे से उबल गए हैं इन सबको मिक्सर जार में लेकर टमाटर के साथ पीस लेंगे इसमें मैंने पानी का यूज नहीं किया है फिर मैंने गैस के ऊपर रखा है कढ़ाई थोड़ा सा डालना है सरसों का ऑयल एक चम्मच डालना है जीरा छोटी चम्मच से डालना है सौंफ दो तेज पत्ते और पीसी हुई ये मसाला डाल देना है छोटी चम्मच से डालना है हल्दी पाउडर एक चम्मच डालना है धनिया पाउडर का मसाला स्वाद अनुसार लेना है नमक और ये बचे हुए मसाले आपको कढ़ाई में ऐड करना है इन सबको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाना है एक बार ये सब्जी आप भी जरूर बनाइएगा बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। तो जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना रखिएगा पानी इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और एक उबाल आने देना है पानी में फिर आपको छोटे छोटे ये प्यारे प्यारे बॉल्स इसमें डालने हैं ये सब्जियाँ सबको बहुत ही पसंद आएंगे तो इसे ढककर आपको एकदम हाई आंच पे पकाना है चार मिनट तो देखिए हाई आंच पे मैंने पकाया है ताकि जो है सब्जियाँ टूटे ना इसीलिए आपको हाई आंच पे पकाना है इसे अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो सब्जियाँ जो है टूट जाएंगे तो देखिए कितने अच्छे और कितने ग्रेवी वाली ये सब्जी बनकर तैयार हुए हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हर रोज मेरे चैनल से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे थोड़ा सा मैंने पुदीना का पत्ता सजा दिया है आप इसे धनिया का पत्ता से भी सजा सकते हैं तो एक में सब्जी उठाकर देख दिखा रही हूँ देखिए कितने अच्छे और कितने अंदर से सारे इसके अंदर ग्रेवी चले गए हैं सब्जियाँ जो है अच्छे से फूल गए हैं तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि कैसा मैंने बनाया है थैंक्स